नमस्कार, मैं रसोई में और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। मेरे साथ मेरी रसोई में चलिए और देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं प्याज की सब्जी बना रही हूँ। साबुत प्याज की सब्जी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज को पहले छील लिया, धो लिया और इसमें ऐसे कट लगा दिए प्लस के सारे प्याज में। ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा है और नीचे की साइड में इसमें कट लगाने। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया छोटा, गैस ऑन कर दिया है, उसको फ्लेम को कम कर देंगे, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैंने ये नारियल है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए, सूखा वाला नारियल है, और थोड़ी सी मूंगफली लिए। इन दोनों को मैं यहाँ पे रोस्ट कर लूंगी, क्योंकि हमने इस पैन को पहले गर्म कर लिया था और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको इसको सेकना है। चिकनाई इसमें डालते नहीं है क्योंकि दोनों में ही चिकनाई होती है। ये देखिए, ये मैंने रोस्ट कर लिया, जलाना नहीं है हमको, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और अब इनको थोड़ा ठंडा करके और फिर ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर मैंने बर्तन रख दिया, गैस ऑन कर दिया, तेल डालेंगे। 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो यहाँ पर हम जीरा डालेंगे 1 चम्मच के लगभग, फ्लेम को कम कर देंगे। 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच के लगभग हींग, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तेल में डालने से हल्दी थोड़ी पक जाती है तो अच्छा स्वाद आता है। अब हम डालेंगे हमारे ये धुले हुए कटे हुए प्याज, फ्लेम को एक बार तेज कर देंगे वापस से। फुल फ्लेम में हम इनको थोड़ा सा इस गरम तेल में इसे उलट पलट कर लेंगे, जिससे सारे प्याज के अच्छे से गरम तेल का वो लग जाए। और अब फ्लेम को वापस कम करके इसको ढक के, और जब तक ये थोड़े से हल्के हल्के से ये गल जाए प्याज, तब तक हम इसको गलने देंगे। यहाँ पर मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ और साथ में मैं 8-10 काली मिर्ची और 2-3 लौंग भी इसके साथ ही पीस रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे प्याज जो है वो इतने इतने फ्राई हो गए हैं, बस इतना ही करना है। अब हम मसाला मिलाएंगे। अब हम धीरे धीरे करके एक एक चीज ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, तो 2-3 हरी मिर्ची जिनको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। फिर यहाँ पे मीठे नीम के पत्ते हैं और जो हमने मसाला पीसा है वो वाला मसाला डालेंगे हम इसमें। तो यहाँ मैं 3-4 चम्मच मैंने डाल दिया है, बाकी का ये 1-2 चम्मच मैंने रख लिया। हल्दी हमारी डली हुई है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। प्याज की सब्जी में अमचूर जरूर डालें, दही ना डालें कभी, मिक्स कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए, और इसको फिर से ढक के मसाला पकने तक हम पकाएंगे, मान लीजिए 2-3 मिनट के लिए। बस फ्लेम को हमें कम ही रखना है। तो ये देखो, ये हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। मसाला हमारा पक चुका है, कढ़ाई छोड़ दी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस तरह से आप साबुत प्याज की सब्जी बनाइए। और अभी बारिश का मौसम है तो बाहर की सब्जियां जैसे पत्तेदार सब्जियां, तो उनमें कीड़ा लगा होने का डर रहता है, तो हम अवॉइड ही करते हैं उनको। और बारिश में कहां बाहर जाएं करें, तो इससे अच्छा है घर में जो सब्जियां हैं उनका यूज करें। तो ये बहुत अच्छी सब्जियां हैं, हेल्दी भी होती है। और इस तरीके से बनाइए, मुझे बताइए आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।